कि हम भी किसान है ऐसा कुछ नहीं है। अब ये रहेगी बात ऐसी, जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे हिंदू मरवा दिए, क्या रक्षा मंत्री हैं समझे। अगले यादव जमाने में इधर देखो गुंडागर्दी बहुत होती थी, आज महिला किसी समय घूमो कोई दिक्कत ना है। 12 महीना में 8 महीना मिलता राशन, अब 12 महीने में 12 महीना मिल रहा है और 12 महीने में 24 बार मिल रहा है। 12 महीने में 24 बार मिल रहा है, पहले 12 महीने में 8 बार मिलता था। अखिलेश ने एक विकास करा, 108 नंबर गाड़ी चलाई, उसके हम आवारी हैं। लखीमपुर की घटना आपने छोटी बता दी, हाथरस की घटना आपको छोटी लगी, मुजफ्फरनगर की दंगा वो नहीं दिखा आपको? क्यों नहीं आता था जबरदस्ती पक्षपात के साथ सरकार? इतना देखो 20% वोट नहीं मिलेगा समझे। आप किस पार्टी से जुड़े हुए? बीजेपी को। 360 में कम से कम हमारी यूपी में अंदर देखो 400 सीटें लेकर रहेगी, 350 सीटें लेकर रहेगी। A1 न्यूज इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव मेथी नवदिया में, यहां पर जानने आए हैं जनता की राय, जनता का मूड, आने वाले चुनाव में जनता कौन सी सरकार पसंद करती है, जनता का मूड जानने आए हैं, जनता की क्या राय है चुनाव में, जनता किसे पसंद करती है, कौन सी सरकार देखना चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग बने हुए हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। राजेश कुमार। क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव? हमारे यहाँ मोदी योगी है। मोदी योगी, ऐसा क्या है? अरे विकास किया उसने, गल्ला दिया और किसान सम्मान निधि दी, श्रमिकों के लिए पैसा दिया। किसान सम्मान निधि तो जो है केंद्र सरकार की है योजना, तो उसी की है बीजेपी। प्रदेश सरकार की आप 5 योजनाएं बताइए। प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजना है, 5 योजनाएं गिना दीजिए। गल्ला मुफ्त है। केंद्र सरकार का है रोड, सारे कितने बढ़िया हो गए। ये तो पहले की सरकारें भी जो है रोड बनवा, पहले हमारी पूरी विधानसभा में ऐसा कोई रोड नहीं था जहाँ टॉप गियर लगा देते। ये जो रोड है ये तो समाजवादी नहीं तो पास कराएगा, हमारी सरकार बीजेपी की सरकार में बनाइए। प्रदेश में तो जो है समाजवादी की सरकार थी उस समय। नहीं नहीं, भाजपा के समय में पड़ा है। आपके यहाँ कितना वोट है? हमारे यहाँ 600 वोट है। इसमें कौन कौन सी बिरादरी है आपके यहाँ? जाटब और कुर्मी। आप कौन सी बिरादरी के? कुर्मी। तो कुर्मी बिरादरी इस समय जो है बीजेपी की तरफ है क्या? 70% हमारे गांव में। अच्छा, 70% बीजेपी को वोट करेंगे। तो आप समाजवादी से नाराज क्यों? समाजवादी में ऐसा क्या था जो कि? अरे हिंदुत्व खतरा में है यार। हिंदुत्व तो समाजवादी भी तो हिंदुत्व है, वो तो अभी तो हिंदू है। गुंडागर्दी कितनी है, पहले लोग जानवर रखाउत करो है, अब आदमी ताला लगा के आराम सोता, बैठक कहीं घर में सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं जानवर? हम देख रहे हैं ज्यादातर पशु जो है जो पहले घरों में हुआ करते थे आज जो सड़कों पे खेतों में चल रहे हैं। कितना किसानों की फसलें बर्बाद कर, कहाँ बर्बाद हो रही, कोई कोई फसल नुकसान नहीं है। गुंडागर्दी वो खत्म। कुछ समय पहले आपके यहाँ से निकले तो पास में ही जो है आवारा पशुओं को ट्राली में लाद कर ले जा रहे थे लोग, वो आवारा गौशाला में पहुँचाया गया था। आप कह रहे हैं कि जो है पशु नहीं थे, उससे कोई सरकार कर तो रही कुछ ना कुछ, उसे कितना नुकसान हो रहा है यार। इस सरकार ने क्या किया? अरे बहुत सारे काम किए थे, वो चारों तरफ विकास ही दिख रहा है। एक जो विकास कौन सा है आपके गांव में, ऐसा कौन सा विकास हुआ? हमारे विधानसभा में सारे रोड चमाचम हो गए, आने जाने की सुविधा। हमने आपसे अभी ये पूछा था प्रदेश सरकार की आप 5 योजनाएं बताइए, उस पर आप नहीं बोले। अरे योजना 5 है तो है, देखो कितनी बढ़िया सब योजनाएं हैं। राशन है, उज्ज्वला है, उज्ज्वला केंद्र सरकार की, राशन केंद्र सरकार का, राशन पहले भी मिलता था। पहले कहाँ मिलता था? एक बार मिलता था, अब दो बार मिल रहा है। समाजवादी वाले कह रहे हैं पहले जो है 35 किलो दिया करते थे, आज जो है किसी किसी को मिलता था। संतोष सिंह जब डीएम आए थे तो पैसा नहीं लोगों ने कोटा का, और सरकार जा रही तो सबको माल मिल रहा और बिकता था, डाली गायब होती है, किसान भूखा मर रहा है। तो सब आज भी तो राशन में घटतौली है, 5 किलो यूनिट का दावा कर रहे हैं लेकिन जो है घटतौली है। किसे मिल रहा है? 12 महीना में 8 महीना मिलता राशन, अब 12 महीने में 12 महीना मिल रहा है और 12 महीने में 24 बार मिल रहा है। 12 महीने में 24 बार मिल रहा है, पहले 12 महीने में 8 बार मिलता था। 2 बार भैया कब से मिल रहा है? 1 साल से ज्यादा हो गया सर। आपको जानकारी नहीं है तो 20 मार्च 2020 से स्टार्टिंग किया था और बराबर आज तक चल रहा है। तो कब तक मिलेगा वो? वो आगे की बात है साहब। नहीं अभी तो मार्च तक का ऐलान हुआ, मार्च 2022 तक तो मार्च तक का ही ऐलान क्यों हुआ?
नहीं हो सकता चुनाव की वजह से, जब तक कोरोना काल पांच साल पूरी निकल चुकी है तो इससे पहले डबल क्यों नहीं दिया गया? नहीं साहब, उससे पहले कोरोना नहीं था। 20 मार्च 2020 से ही लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के समय से मिलना चालू हुआ है। कोरोना में जो लोग प्रवासी मजदूर जिस तरह से पैदल आए थे, पैर में छाले पड़े थे, उनके लिए सरकार ने क्या किया? उसके लिए जितनी व्यवस्था हो सकी उतनी करी, लेकिन लॉकडाउन तीन मंत्री का परेशान हुए थे ना, उससे पहले नहीं हुए थे ना? हमने देखा था ट्रेनों में हाँ, लटके आ रहे हैं, पटरियों पे लोग सो रहे थे। जब समस्या आती है तो थोड़ी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन सबने झेला, किसी ने झेला, और हमारी सरकार ने सबकी व्यवस्था करके बाहर से बुला के उनके घर तक की व्यवस्था करी, उन्हें घर तक छोड़ा गया। अभी दूसरी लहर में जो है सरकार ने दावे किए थे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन देखा गया कि ऑक्सीजन को लेकर लोग तड़प रहे थे। हमारे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, दिल्ली में थी, दिल्ली में थी, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं थी ऑक्सीजन भरपूर थी। हम आपकी नवाबगंज विधानसभा की ही बात कर रहे हैं, यहाँ की हॉस्पिटलों ने कहीं ने आवाज उठाई थी हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, पत्र में नवाबगंज विधानसभा में हमें नहीं लगा कोई ऑक्सीजन वजह से मरा हो, कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन वजह से नहीं मरा, भरपूर ऑक्सीजन थी हमारे विधानसभा के अंदर। सपा से एक दिक्कत है, जब सपा सरकार थी तो प्लाटो कब्जा, विधायकों को ज्यादा पावर, हमारे योगी जी ने विधायकों को ज्यादा पावर नहीं दी कि जब प्लाटों पर कब्जा करें, खेतों पर कब्जा करें, गुंडागिरी करें, इसीलिए ज़्यादा पावर ही नहीं दी विधायकों को पावर। समाजवादी सरकार में सुबह उठते पेपर देखते तो पता लगता बरेली के अंदर 50 चैन इसके मतलब चैने नोच ली जाती थी, कुंडल नोच लिए जाते थे। अब साल में हमें ये लगता 5 भी ऐसे घटनाएं नहीं होती बरेली के अंदर, आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है जब से योगी सरकार आई है। अच्छा, ये जो बड़ी घटनाएं अभी हुई थी, उन्नाव की घटना हुई थी, हाथरस की घटना हुई थी, लखीमपुर की घटना हुई थी, ये क्या था? ये तो घटना छोटी मोटी होती रहती है। लखीमपुर की घटना आपने छोटी बता दी, हाथरस की घटना आपको छोटी लगी? मुजफ्फरनगर की दंगा वो नहीं दिखा आपको? नहीं, मुजफ्फरनगर में हुआ तभी तो सरकार ने बदलाव चाहता ना, तभी तो बदलाव हुआ था। बरेली में दंगा होता तो सो नहीं दिखा? नहीं, बदलाव तो तभी हुआ है ना। उत्तर प्रदेश में एक साल में कम से कम 100 दंगा होते थे, आज एक भी दंगा नहीं हो रहा। अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि जो है अपराधी उन्हें दूरबीन से भी नहीं दिख रहे हैं, जबकि उनके बगल में बैठे हैं। हमें तो नहीं लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है। जिस मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंदा अपनी कार से, हाँ, उस मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की जा रही, लेकिन अमित शाह जी उसके लड़के ने गुनाह किया, उसके लड़के को जेल में डाल दिया, पक्षपात नहीं किया उसने, अपने मंत्री के लड़के को बचाया नहीं। अगर ये समाजवादी सरकार होती, गायत्री प्रजापति जैसे लोग शरण देते थे ये समाजवादी लोग, हमारी सरकार जेल में डालती है। नहीं, बर्खास्तगी की जो मांग की तो बर्खास्त क्यों नहीं किया? अरे, बाप ने गुनाह किया, वो बेटा ने गुनाह किया, बेटा जेल गया, बाप क्यों बर्खास्ती वो? लेकिन उससे घटना से 8 दिन पहले जो बयान था वो तो बाप का ही था ना, तो उन्हें सही से जानकारी नहीं होगी, वो बाहर थे, जानकारी नहीं होगी। जानकारी मिली उन्हें तो उसे जेल भेज दिया गया। चाचा आप क्या कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो घटना घटी, बाप ने कहा बाप भरेगा, लौंडा कहा लौंडा भरेगा, अपराधी जेल गया, ठीक, और जो किसान मारे गए उनको सरकार पैसा देगी। अच्छा जी, कितना रुपए दे रही है? कुछ, मैं ये नहीं कहता, कुछ ना कुछ देगी जरूर, ऐसा नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मतलब पहले जो है गाड़ियाँ उन पे किसानों पे चढ़ाएगी, उसके बाद में मुआवजे जो है, अरे वो भी तो पूरी बात है, पिताजी ने थोड़ी कह दी गाड़ी चला दो। लेकिन पिताजी ने कुछ समय पहले, घटना से पहले जो है, उन्होंने तो जो बयान दिया था एक किसानों के लिए, क्या क्या बयान दिया था? बेटे को भुगतना तो तभी पड़ रहा है। देखिए, हम भी किसान, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये रहेगी बात ऐसी, जब रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे, हिंदू मरवा दिए, क्या रक्षा मंत्री हैं, समझे? अखिलेश यादव जमाने में इधर देखो गुंडागर्दी भी बहुत होती थी, आज मना किसी समय घूमो कोई दिक्कत ना है, समझे? अखिलेश सरकार ने विकास कराया, प्रदेश सरकार ने क्या विकास कराया? अखिलेश ने एक विकास कराया, 108 नंबर गाड़ी चलाई, उसके हम आभारी हैं। मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन और सारा काम सब फेल। समाज जो है 100 नंबर भी तो चलाई थी अखिलेश ने, उनकी हम कहते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनकी सराहना देते हैं, लैपटॉप भी दिए अखिलेश ने, लैपटॉप दिए, ये बात सही है। महिलाओं के खाते में पैसे आते थे पर नहीं आते थे, जबरदस्ती थे पक्षपात के साथ सरकार। इतना देखो, 20% वोट नहीं मिलेगा, समझे? आप किस पार्टी से जुड़े हुए? बीजेपी को। 360 में कम से कम हमारी यूपी में अंदर देखो 400 सीटें लेकर रहेगी, 350 सीटें लेकर रहेगी। अभिनंदन सिंह नाम है मेरा, लिखो
उजैनिया रामपुरा रहता हूँ। तो किस पार्टी से हैं आप? बीजेपी से। बीजेपी से नेता है? नेता नहीं, नेता नहीं हूँ। आप बीजेपी से इतना संतुष्ट कैसे हैं? संतुष्ट है बिल्कुल, संघ के ऊपर देश रुका हुआ, संघ के ऊपर, जनसंघ के ऊपर। महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई महंगाई क्यों ना जाएगी, महंगाई एक एक इधर देखो, जैसे आज जो दंगे पंगे घूम रहे हैं ऐसे आदमी घूमेगा। तो किसानों ने छोड़े ना ये तो? क्या चीज किसानों छोड़े हैं? किसानों छोड़े हैं, उसकी व्यवस्था होती तो है, समझा। लेकिन अब हर तरह व्यवस्था, गौशाला में प्लास्टिक की पन्नी पाई गई है, तो किसानों की फसलें बर्बाद क्यों? किसान परेशान क्यों है? किसान परेशान रहेगा ही रहेगा, इसकी वो क्या वजह है? क्या वजह है? जब इतना देखो, जब तुम पशु उत्ते पालो, तुमने दूध खाए छोड़ दिए, अम्मा अम्मा कर रहे हैं, जा सरकार थोड़ी रोकेगी ये सरकार। तो आप अखिलेश यादव से नाराज हैं जो नवाबगंज में प्रत्याशी समाजवादी के? क्या चीज, इधर देखो, हम किसी आप बैठो पियो पानी, अपना करो काम, सम्मान देते हैं, हमारा काम ये है बस, हमें कोई मतलब नहीं है हमारा सम्मान देने का। हम जाना कि सपा के संग घूमे कि बसपा के संग घूमे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे हैं, लोहड़िया है तो बदायूं सांसद, उन्हें हमारा लौंडा बन जाए, मंत्री नपोरो बन जाए ना। तो इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे भाजपा में थे, हाँ सही थे, आज निकल गए तो अपराधी हो गए क्या? भगवान कृपा, हम भी सराहना करते हैं, बसपा में थे के विधायक टिकट मिला, ठीक उनकी देन है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है भाजपा में थे, उनकी देन है, उनकी देन है, उनकी देन है, स्वामी प्रसाद मौर्य की देन है, जो विशाल केसर सिंह को टिकट मिला नवाबगंज, अच्छी बात है, और विशाल को टिकट मिलना चाहिए था, इसकी हम सराहना देते हैं, क्योंकि उनके पिता कोरोना में खत्म हुए, ठीक है, नहीं मिला पार्टी जाना है, पार्टी ने भेदभाव क्यों किया? उसके बाद फिर वे भाषा घुसे, सपा में घुस गई, ऐसे भगोड़ विशाल, नहीं नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ। नहीं तो विशाल जी के साथ भेदभाव क्यों हुआ नवाबगंज? ये भगोड़ों नचेरे कुदेरे भगोड़ों बैलू कहीं नहीं होती है, विशाल जी की बात कर रहे हैं, विशाल जी के साथ भेदभाव क्यों हुआ? मैं कह रहा हूँ, और हमारा हमारा एमपी आर्या बहुत पुराना है, बीजेपी का, उसको टिकट मिल गया, अच्छी बात है, पहले मौका उनको मिलना चाहिए, मगर स्वामी प्रसाद चले गए इवंत टिकट दिलो तो उन्होंने। लेकिन विशाल जी के पिताजी मौजूदा विधायक थे, उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दे दी कोरोना में, कुर्बानी। योगी जी ने कहा था कि मतलब जो है कोरोना में जो शहीद हुए हैं उन्हें टिकट दिया जाएगा, फिर भेदभाव क्यों हुआ? ये बात हम कहते हैं, हम खुद कहते हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, हम खुद कह रहे हैं, नहीं मिला, उनके नसीब नहीं है, बस जय है, जय कर सकते हो, कहा कर सकते, उनके पास थोड़ी छू सका ना, जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को ना जाना चाहिए बस बीजेपी छोड़कर, समझे। तो आप जो है मुलायम से पहल यादव, अब क्या वही मची बड़ी अनाता नहीं हुई? चाचा तो साथ आ गए इस बार में, सिपाल तो साथ है, समझे, मतलब सही है, जहाँ पे जिसकी अच्छी है वहाँ चर्चा अच्छी करेंगे, और जहाँ खराब है तहाँ खराब करेंगे। आपके गांव में जो है बीजेपी का कितना वोट होगा? बीजेपी का 2000 वोटर सब टोटल मिलेगा उजैनिया रामपुरा में, पीलीभीत जिले में, इधर देखो मेरा गांव है कोठा मक्खन और बरेली जिला, कम से कम 25 साल पहले बूथ नहीं हुआ था कतई, एक वोट नहीं पड़ा था, उस गांव को रहने वाला हूं। आप युवा हैं, जैसा कि दावा किया गया था युवाओं को नौकरी के लेके, तो आपको नौकरी मिली है? नहीं मिली। नहीं मिली क्यों? सरकार तो कह रही हमने जो है 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी है, पिछली सरकार ने कितनी दी थी? नहीं तो इस बदलाव तो तभी हुआ है ना, इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने बहुत कुछ किया, चल रहा है तो साइकिल से, इस रोड चल रहा है बहुत, जितने मुर्दा घर बने मोमिनों बने, हिंदुओं किसो नहीं बना मुर्दा घर, समझे, बहुत सारे मुर्दा घर चलो दिखाए हमारे, तो शमशान भूमि तो पहले भी थी, अरे नहीं नहीं कब्रस्तान थे लेकिन मुर्दा घर बने 6 भाई, अब बने हमारे यहाँ बने 2। अच्छा हाँ, और रोहिया आवाज बने, कितने आवाज बने थे और अब कितने आवाज बन गए हमारे गांव में? आवाज तो पहले ही सरकार भी बनवाती थी, पहले सरकार बनी मुख्यमंत्री, जब पहले बने ही नहीं बीच में, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे चाचा तो जो है उतने नहीं बने, करोड़ों आबाद बन गए देश के अंदर, समझे। नमस्ते, कभी आपको जानना आना, क्या नाम है? तो आप जो है किस पार्टी की तरफ है? क्या मैं बीजेपी की तरफ हूँ, बीजेपी की तरफ, मोदी की तरफ। ऐसा क्या लगा आपको? मोदी मुझे अच्छे लगे,
क्या खास लगा उसमें? उसमें बहुत खास है। अरे प्रदेश सरकार की 5 योजनाएं आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में केवल 5 जिला पहले थे समाजवादी सरकार, उन्हें 24 घंटा लाइट दी जाती, सारी सुख सुविधाएं पूरे उत्तर प्रदेश की 5 जिला में दी जाती। अब पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सुविधाएं दी जा रही है। बिजली जो आ रही है आज के टाइम में, लेकिन बिल कितना है? बिल यार हमें यूज तो करने को मिल रही है आराम से, हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। पहले लाइट ही नहीं आ रही तो बिल जा रहा बेकार, लेकिन अब लाइट बिल जा रहा है। लाइट तो जब सपा सरकार ही तो जब सपा सरकार थी तो 40 विधायक मोमडन थे, तो 40 तहसीलों में 24 घंटा लाइट थी, बाकी 6 घंटा लाइट थी। ऐसा हमारी सरकार में ऐसा नहीं है कि 40 तहसीलों में 24 घंटा लाइट, बाकी तहसीलों में 6 घंटा लाइट। जहाँ लाइट है तहाँ बराबर है, 20 घंटा तो 20 घंटा मिलेगी और जितना लाइट है बराबर। बात तो जो है समाजवादी पार्टी ने बात सुनो, जब मुलायम सिंह सरकार थी, जब सपा सरकार थी तो रामपुर में 24 घंटा लाइट, ऐसा क्यों? ऐसा बताओ आप हमारे। लेकिन समाजवादी वाले तो दावे करते हैं, भगवत जी ने यहाँ पे जो है 7 बिजली घर बनवाए और इस सरकार में एक भी नहीं बनाए। रोड नहीं बनवाया उनकी सरकार में तो बिजली वो कहाँ दे देते। राज्य सरकार जो उस समय जो थी कांग्रेस में सरकार समाजवादी की थी, तभी रोड पास हुआ। नहीं ये रोड तब नहीं पड़ा था, बीजेपी सरकार में पड़ा था, जानकारी नहीं है तभी पास हुआ। जब रामपुर में 24 घंटा लाइट ये हमारी अटल जी की योजनाएं ही, विपक्ष कभी ने साथ नहीं दिया, विपक्ष ने कभी साथ नहीं दिया। अटल जी की कौन सी योजना? अटल जी की सब सड़कों वाली योजना अटल जी की थी। हाँ विपक्ष हमेशा करवटी नहीं लिया कभी विपक्ष ने। नहीं जब केंद्र में जो सरकार होगी वही तो काम कराएगी। नहीं नहीं केंद्र सरकार को काम कराना क्यों ना कराओ, कहाँ चलेगी सरकार? क्या नहीं कराया? कुछ नहीं कराया। आप ही कह रहे रोड डलवाया। नहीं नहीं ना ना इस सरकार में रोड पड़े सब, जो रोड खराब रहो सपा सरकार ने कहा था जाके मरम्मत भाई। इस रोड के पास तो जो है सपा सरकार ने कराया था, शुरू शुरू हुआ बाद मरम्मत तक ना हो पाई। अच्छा बिजली की बात अभी हो रही थी। हाँ, बिजली में समाजवादी वाले ये कहते हैं नवाबगंज विधानसभा में जो है 7 बिजली घर बनवाए, इस सरकार ने क्या किया है? क्या थी 7 बनवाए जहाँ बिजली? वो कह रहे हैं कि हमारी बिजली व्यवस्था हमने दुरुस्त की है तभी बिजली आज मिल रही है। हमारे गांव में 25 साल ट्रांसफार्म गांव रखा रहा, कब ऑल लाइन खिंची हुई रही, ट्रांसफार्म रखा नहीं गया। जब भाजपा सरकार आई ट्रांसफार्म धरा गया, लाइट पूरे गांव को मिल रही है। पहले पहले समाजवादी सरकार थी तो एक लाइन खिंचवाने के लिए लोगों को नोहरे करने पड़ते, मंत्री घर जार जाके बूढ़े हो जाते, लेकिन हमारी सरकार ने एक योजना चलाई उसके अंतर्गत हर गांव, हर मोहल्ला, हर घर लाइट की व्यवस्था हुई दुरुस्त। तो आप क्या धर्म के नाम पे आप वोट करेंगे या फिर विकास के नाम पे भी? विकास के नाम पे विकास किया है। पहले ट्रांसफार्मर फूक जाता, दो दो महीने परेशान होता था आदमी, आज फोन करें अभी 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर धर जाता है। बलदाव है बीजेपी सरकार में, समाजवादी सरकार में 3-3 महीना ट्रांसफार्मर नहीं धरा जाता था। और चंदा करके पार्टी को देख रहे हैं या प्रत्याशी देख रहे हैं? हम पार्टी देख रहे हैं, पार्टी देख रहे हैं। क्या कहेंगे चाचा? मिट्टी का पुतला आ जा, बीजेपी से उसको चुनाव लड़ाएंगे। आप पार्टी को देख रहे हैं, प्रत्याशी देख रहे हैं? मैं तो भाई बीजेपी को पार्टी देख रहा हूं और पार्टी की वोट किसी को टिकट मिलता हां पार्टी को अपनी वोट देते। और जो भ्रष्ट जो है सरकार, जैसे हमके नवाबगंज लोग दुखी कन्ना में एक पर्ची डाल दी, एक महीना बैठे हैं, सपा वाली पर्ची आ रही है, 10 बीघा जमीन नहीं, तो किसान तो जो है भुगतान को लेके आज तक परेशान है। नहीं बात सुनिए आप, एक महीना बैठे हैं, पर्ची आई है ना आ रही है, जमीन नहीं तो पर्ची कहाँ से होती? सपा वाहन दिला दो उनकी पर्ची कहाँ से होती? तो मंडी में तो अभी भी बहुत बड़ा घोटाला हो गया। गुंडई चल रही, किसान बैठो बेचारो गन्ना बेच रहा हुआ फटी, उन्हें भी दे कलंक का। फिर अब क्यों पर्ची सबकी आ रही है? अभी तो किसान परेशान कह रहा है हमारा भुगतान नहीं हुआ, अब भी तो मुद्दा उठाता है। किसान हो रहा हुआ मासिया है वो पैसा अच्छो हो रहा है भुगतान। पेमेंट पिछली सरकार खा गई समझे, इस बार पेमेंट आए लोग किसानों को आए, पिछली सरकार खा गई बजाज इंसान का पेमेंट। तो पिछली तो अब तो इस सरकार का भी पूरा टाइम हो गया, अब तो दुरुस्त होनी चाहिए व्यवस्था। तो उसको जब खजाना लूट लो सरकार ने समझे, वो कहा तो वो राजा साहब है क्या बजाज हिंदुस्तान? तो आप जो है क्या आंकड़े इस बार में बीजेपी है कितनी सीटें पार करेगी? क्या चीज
कहते हो कि 80% सीटें मिलेंगी बीजेपी को, 20% वोट टिकट नहीं मिलेगा, वोटें देंगे जो कि कानून के विरुद्ध वाले हैं और जाति से कोई मतलब नहीं है, विकास के नाम पर विकास के नाम पर टिकट मिलेंगे और मतलब वोट मिलेगा विकास, जो वर्षों में नहीं हो पाया वो अब करके दिखा दिया योगी सरकार ने। तो समाजवादी समय में हमारी ओसवाल फैक्ट्री बंद करा दी यहाँ के विधायक मंत्री ने, जब से हमारा विधायक बना केसर सिंह उनने घर घर जाके और अपना विश्वास दिला के फैक्ट्री चलवाई, सुचारू रूप से चल रही है, हर आदमी खुश है, हर आदमी ओसवाल से खुश है। विधायक जी ने काम किया, काम किया, उनके बेटे पार्टी के लिए काम करते रहे, बड़ी बड़ी सभाएं की, लेकिन उनके साथ भेदभाव क्यों हुआ? अरे पार्टी ने जिसे समझा उसे टिकट दिया, हम उसी के साथ हैं। आप जो है पार्टी को देखते हैं, पार्टी देखते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया, ये गांव नवदिया मेथी गांव है, इस गांव में हमने आप अभी दिखाया, चुनावी चर्चा हमने की, जनता का क्या मूड है, जनता किसे पसंद करती है, जनता यहाँ पे हमने जो बात की तो यहाँ पे सारे लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। आगे भी मैं आपको विधानसभा क्षेत्र के और गाँव की चर्चाएं दिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।